स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीसी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं जो हमारा सेमेस्टर 2 सीसी 6 ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन चल रहा है, ठीक है, उनका एग्जाम होने वाला है, उनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हमारा ये नेक्स्ट पार्ट है 111, इसके पहले 110 तक हम लोगों ने क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि वायुमंडल की इनमें से किस परत में ओजोन परत शामिल है जो अल्ट्रावायलेट यानी अल्ट्रावायलेट प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जिम्मेवार है, जो अल्ट्रावायलेट को क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित करता है, ठीक है। एंड विच ऑफ दिस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ द ओजन लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग द अल्ट्रावायलेट लाइट, ठीक है। यानी कि तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्ट्रेटोस्फीयर, क्या हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। इसका भी हम पीडीएफ भी डाल देंगे, सारा पीडीएफ को हम एक जगह कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल अभी वीडियो देख लो आप लोग, पीडीएफ कब नहीं आएगा, आएगा इसका कोई पता भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बताया गया कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के बारे में क्या सत्य है, तो देखो ग्लोबल वार्मिंग क्या कर रहा है, पता है कि ग्लोबल वार्मिंग हैज लेड टू राइज इन द सी लेवल्स, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के स्तर में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। देखो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, पता है, कुछ भी उसके बारे में याद रख सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे पता चल गया कि ग्लोबल वार्मिंग में इससे कौन सा सही है, यानी ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, तो बस आपको याद रख यहाँ पे, हाँ क्या चीज़ मुझे पता चला, सी यानी कि समुद्र के बारे में बात हुआ है, तो बस समुद्र वाला हम लोग क्लिक करेंगे। तो एक एक वर्ड भी याद करके आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, अच्छा नंबर ला सकते हैं और ऑप्शन में करेक्ट सही कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बताइए 113, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली, ठीक है। तो बोल रहा है कि देखो यहाँ पे इसमें आपका कौन सा जो है वो सही है, तो सन इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी सूर्य जो है ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 114, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन तो 1973 यानी 1973 में स्टार्ट किया गया था इसको, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, यानी कि विश्व वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, यानी व्हेन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक ऑब्जर्व्ड, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, यानी अक्टूबर का पहला सप्ताह में ही वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक यानी कि वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि मिट्टी के कणों को बढ़ते आकार के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, यानी कि मिट्टी के कणों को आपको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बताया गया है सॉइल पार्टिकल्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज आर, तो इसका आपका हो जाएगा क्ले हो जाएगा, ठीक है, सेल्ट हो जाएगा एंड सैंड यानी मिट्टी गाद और रेत, ठीक है। उसका 117 है प्रत्येक जीव का प्राकृतिक निवास कहलाता है, द नेचर रेसिडेंस ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज, यानी कि द नेचर रेसिडेंस ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म यानी कि ये किसके रूप में जाना जाता है, तो ये हमारा जाना जाता है हैबिटेट यानी कि निवास स्थान के, इसके रूप में जाना जाता है दोस्तों, निवास स्थान के रूप में जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 118, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमोस्फियर एंड इट्स ओशंस, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी पृथ्वी के वायुमंडल और उसके महासागरों के औसत तापमान में वृद्धि, ठीक है। जब भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अर्थ एटमोस्फेयर एंड इट्स ओशंस, तो आपको ध्यान रखना है इसका करेक्ट जो आंसर होगा आप लोगों को वो होगा पृथ्वी के वायुमंडल और उसके महासागरों के औसत तापमान में वृद्धि, ठीक है। ये मैंने डायरेक्टली आप लोगों को क्या बता दिया, आंसर बता दिया कि जब भी पूछा जाएगा ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो एटमोस्फेयर वाला आपको याद रखना एंड इट्स ओशंस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 119 की, यहाँ पे बताया गया UNFCCC का क्या अर्थ है, यानी कि UNFCCC स्टैंड फॉर किसके लिए, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रावैग्निक किरणें अधिक खतरनाक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्ट्रावायलेट रेज इन मोर डेंजरस, तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका UVC, ठीक है।
उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 121 कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस प्रभावित वाली गैस नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस, तो ये हमारा नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 122 क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाले प्रमुख प्रदूषक है, मतलब इसका ये कहना है कि द मेजर पोल्यूटेंट फ्रॉम ऑटोमोबाइल एक्सहॉस्ट इज, ठीक है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका CO। क्या हो जाएगा दोस्तों? CO। तो ध्यान रखना जब भी आपका बात किया जाएगा ऑटोमोबाइल का, ठीक है, कि ऑटोमोबाइल एक्सहॉस्ट, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका होगा CO, ठीक है, जब भी इससे हमारे निकलने वाले प्रमुख प्रदूषक हैं तो ये हमारा CO होता है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना ऑटोमोबाइल एक्सहॉस्ट CO, ऑटोमोबाइल एक्सहॉस्ट CO। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 123, सीधी धूप में उगने वाले पौधों को कहा जाता है, प्लांट्स ग्रोइंग अंडर डायरेक्ट सनलाइट आर नॉन एज, तो ये हमको जाना जाता है हेलियोफाइट्स के नाम से, किसके नाम से? हेलियोफाइट्स नाम से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 124, यहाँ से गांधी जी के बारे में स्टार्ट होता है, ठीक है, और बहुत लोगों का ये कमेंट है कि सर आप चैप्टर वाइज बढ़ाइए, तो भाई हम जो पार्ट वन में बांट के बस ले रहे हैं, बाकी सब चैप्टर वाइज ही हम बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 124 है, और बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप इंग्लिश को थोड़ा जल्दी पढ़ते हो, तो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि थोड़ा सा आप मतलब कहीं गलत पढ़ देते हो, ठीक है, तो भाई मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा माइंड मत करना, ठीक है, मैं क्योंकि थोड़ा सा फास्ट बोलता हूँ, ठीक है, और हम सोचते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे मेरे बातों को, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मेरा बात समझ आप लोग को नहीं आ रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा जो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं आप, देखो इसके पहले आप लोगों को याद होगा डायरेक्ट हम लिख करके कॉपी में बताते थे, तो जब हम लिख करके बताते ना तो कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होती, ठीक है, बट जब हम डायरेक्टली इस प्रकार से पीडीएफ बना के करते हैं ना थोड़ा सा दिक्कतें होती है, ठीक है, हालांकि माइंड आप लोग को नहीं करना, अगर कोई दिक्कत होता है ज़्यादा आप लोग को तो कमेंट कर सकते हो कि बिल्कुल आप लोग अच्छे से बताइए, ठीक है, यानी कहीं मतलब धीरे धीरे आराम से बताएंगे, लिख करके बताएंगे ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा टाइमिंग लगेगा, ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए मैं पीडीएफ के माध्यम से बता देता हूँ, और इसमें थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हम हो जाता है, इसकी वजह से हम लोग करेक्टली उस वर्ड को देख नहीं पाते अच्छा से, ठीक है, तो ये होता है, बट कोई नहीं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 124, गांधी के विचार की केंद्रीय शिक्षा है, द सेंट्रल टीचिंग ऑफ गांधीज थॉट, तो इसका जगह ट्रू एंड नन वैलेंस, यानी कि सत्य और अहिंसा। अब देखो गांधी जी के बारे में आप लोगों को तो सभी पता होगा, ये अहिंसा का मार्ग अपनाया था, सत्य का मार्ग अपनाया था, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, मतलब ये सब आपको पता होगा, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग कौन नहीं जानते, तो आप लोग करेक्ट आंसर तो रिकॉर्ड करके आओगे ही आओगे, इसके बारे में जितना भी क्वेश्चन बताएंगे लगभग आपको पता होगा कि शायद ये सब क्वेश्चन हम जानते थे, ठीक है। नेक्स्ट बताइए कि गांधी ने अहिंसा के तत्वों की पहचान किसकी शिक्षा से की है, ठीक है, यानी गांधी आइडेंटिफाई फैक्ट्स ऑफ नॉन वायलेंस फ्रॉम द टीचिंग ऑफ, तो ये हमारा है बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 126, गांधी के अनुसार सत्य और अहिंसा है, अकॉर्डिंग टू गांधी ट्रू एंड नॉन वायलेंस आर, ये है, तो ये हमारा है इंसपेरेबल, यानी कि अविभाज्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, चरखे को विकास का प्रतीक माना जाता है, चरखा इज कंसिडर्ड एज द सिंबल ऑफ, तो ये विकेंद्रीकरण भी हो सकता है, इसका आंसर राष्ट्रवाद भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि सेंट्रलाइज्म और नेशनैलिटी भी होता है, ठीक है, ये हमारा डी सेंट्रलाइज्म लिखा हुआ, ठीक है, विकेंद्रीकरण, डी सेंट्रलाइज्म, यानी राष्ट्रवाद, नेशनैलिटी, ठीक है। उसके बाद चलते 128 की ओर, गांधी के विचार की केंद्रीय शिक्षा है, यानी द सेंट्रल टीचिंग ऑफ गांधी थॉट्स इज, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू, सत्य। कभी तो आप गांधी जी कहीं लिखा हो जाए आप फॉल्स में टिकट करो, असत्य में टिकट करो, ऐसा हो ही नहीं सकता, जहाँ गांधी जी आगे वहाँ पे तो सत्य ही होगा, ठीक है। 129 है कि खालिस्तान को गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा माना जाता है, यानी कि इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग ऑफ गांधी, तो ट्रू इज गॉड, यानी उसका कहना था कि सत्य ही ईश्वर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गांधी जी के लिए खालिस्तान जीवन का उद्देश्य, टू गांधी जी खालिस्तान इज द एम ऑफ लाइफ, तो इसका एक ही था सेल्फ रियलाइजेशन, यानी आत्मबोध, ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है, तो आपको किस में रिकॉर्ड करना है, सेल्फ रियलाइजेशन में। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है, सत्याग्रह लिटरल मीन्स, तो इसका होता है टू होल्ड फास्ट टू ट्रुथ, यानी सत्य को मजबूती से पकड़ने रहना। नेक्स्ट हमारा सर्वोदय का अर्थ है, तो देखो सर्वोदय मीन्स क्या होता है, तो इसका मीन्स होता है अपलिफ्ट, क्या होता है, अपलिफ्ट फॉर ऑफ ऑल, अपलिफ्ट ऑफ ऑल, सभी का उत्थान, सभी का उत्थान, ऐसा नहीं कि किसी एक का उत्थान, सभी का उत्थान। 133 है स्वराज का अर्थ है, स्वराज मीन्स क्या होता है, तो स्वराज मीन्स होता है पॉलिटिकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी राजनीतिक स्वशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 134, इसमें आपका क्या बताया गया है कि दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, यानी व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द
वर्ल्ड, तो ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी जिस दिन गांधी का जन्म हुआ था, ठीक है, 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट हमारा 135, गांधी के अनुसार अहिंसा का गुण है, यानी कि अकॉर्डिंग टू गांधी नॉन वायलेंस इज द क्वालिटी ऑफ, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रांग एंड ब्रेव, यानी मजबूत और बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 136, गांधी खालिस्तान को एक सामाजिक बुराई मानते हैं, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गांधी कंसीडर्ड खालिस्तान एज अ सोशल इविल, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनटचबिलिटी यानी अस्पृश्यता, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। गांधी जी ये जो अस्पृश्यता है ना, छुआछूत वाला, इसको हमेशा गलत मानता था, हमेशा बुराई मानता था कि छुआछूत नहीं होना चाहिए, चाहे हम लोग छोटे जाति को हो चाहे बड़ी जाति का, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, हम चाहते हैं कि कम मिनट में, कम वीडियो में हमको ज़्यादा कुछ दे दे, ठीक है। तो इसमें लगभग मैंने 26 क्वेश्चन देने का प्रयास किया, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।